आशीष क्या करती है, जब आप बीमार है तो याद रखिए कि आप में एक ऐसी सामर्थ्य है, ये तो बीमारी को नाश करने वाली सामर्थ्य है जो आप में रहती है। एक सामर्थ्य जिसे आशीष कहते हैं, परमेश्वर ने आपको उससे आशीषित किया। ये सारी मानवीय क्षमता है जो आप इन सारी बातों से लड़ते हैं जो आपके शरीर में बनी है, जो कि ऐसी बीमारी जो आप में बढ़ रही है उसके विरुद्ध में लड़ते हैं। लेकिन उससे भी बढ़कर एक अलौकिक क्षमता आप में है जो आपकी मदद करते हैं कि बीमारी से लड़े, और वो तो आशीष की सामर्थ्य है। आशीष अपने काम को अच्छे से समझती है। ये आपको ऐसे बनाएंगे कि आप फलेंगे, फूलेंगे, बहुगुणित होंगे और वश में करेंगे और अधिकार रखेंगे, जैसे कि भूमि जानती है कि भूमि को क्या करना चाहिए, और जैसे बीज जानता है कि उसे क्या करना है और वो वैसे ही करता है, आशीष भी समझती है कि उसे क्या करना है और वो बस वैसे ही करती जाती है। ठीक है, यानी जब आशीष है तो आपकी जो भी जरूरत है, वो मुश्किलें, कमी घटियां और पर्याप्त न होना, उन पर आशीष जय पाती है। आशीष इन चुनौतियों को लेती है, उसके साथ में लड़ती है और आपकी मदद करती है कि आप उसके ऊपर जाएं और उस पर जय पाए। आशीष यही है, ये आपके अंदर की सामर्थ्य है कि जिसके लिए आपको प्रभु ने बुलाया उसे आप पूरा करें। अगर परमेश्वर ने मुझे ये करने के लिए बुलाया है तो निश्चय उसे पूरा करने के लिए आशीष मुझ पर है। प्रभु ने उसे करने के लिए मुझे आशीष दी है, मैं ये विश्वास करता हूँ। प्रभु ने आशीष दी मतलब उसने मुझे सामर्थ्य दी है कि मैं इसे करूँ। यानी जो कुछ भी कमी है, जो कुछ भी घटी है और जो कुछ भी मुझे इसकी जरूरत है, आशीष उसे लेकर आएगी। हेलो, तो आशीष गरीबी के विरुद्ध काम करती है और आपके जीवन से गरीबी को नाश कर देती है और आपके जीवन में संपन्नता लेकर आती है। इसी तरह से बीमारी, क्यों? क्योंकि अदन की वाटिका में कोई भी बीमारी नहीं थी, गरीबी नहीं थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। आशीष को क्या करना है? आशीष को आपके जीवन को अदन की वाटिका के जैसे बनाना है, इसे पूरे संसार को अदन की वाटिका के जैसे बनाना है। तो आशीष क्या करती है? जब आप बीमार है तो याद रखिए कि आप में एक ऐसी सामर्थ्य है, ये तो बीमारी को नाश करने वाली सामर्थ्य है जो आप में रहती है। एक सामर्थ्य जिसे आशीष कहते हैं, परमेश्वर ने आपको उससे आशीषित किया। ये सारी मानवीय क्षमता है जो आप इन सारी बातों से लड़ते हैं जो आपके शरीर में बनी है, जो कि ऐसी बीमारी जो आप में बढ़ रही है उसके विरुद्ध में लड़ते हैं।
लेकिन उससे भी बढ़कर एक अलौकिक क्षमता आप में है जो आपकी मदद करते हैं कि बीमारी से लड़े, और वो तो आशीष की सामर्थ्य है। आशीष के कारण आप जीते हैं, आशीष के कारण आप जयवंत हो जाते हैं। आशीष आपकी मदद करती है कि आप आगे बढ़ें और उसे पूरा करें जिसके लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है, उसे संसार में हासिल करें। आशीष आपको बुद्धि, समझ और योग्यता देती है, मदद करती है कि देखें कि क्या करना है, जीतने में मदद करती है। आशीष आपकी यही मदद करती है। आमेन। यानी एक मनुष्य आदम में इतनी क्षमता थी, सामर्थ्य थी कि पूरे संसार को अदन की वाटिका जैसे बनाए। प्रभु ने आशीष दी थी। और अब इसमें एक और पहलू है जो हमेशा है। अगर एक मनुष्य में इतनी सामर्थ्य है कि पूरे संसार को बदल दे, अदन की वाटिका बनाए, तो मैं आपसे कहता हूं इसी तरह से कि एक मनुष्य में इतनी सामर्थ्य है कि वो सब बर्बाद कर दे। और आदम ने बिल्कुल यही करने का चुनाव किया। उसने बिल्कुल ऐसे ही किया। उसने केवल अपने लिए सब कुछ बर्बाद नहीं किया, लेकिन आने वाले हर एक मनुष्य के लिए बर्बाद किया। पूरी मनुष्य जाति आज आदम के पाप के कारण दुख उठा रही है। एक मनुष्य से पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और मृत्यु ने सभी पर राज्य किया। बाइबल कहती है उसने जो किया था उसका परिणाम अब सब लोगों पर हो गया। अब हमें यह समझना होगा कि ये कौन सा पाप है जो आदम ने किया था, वो कौन सा पाप है, आदम ने कौन सा पाप किया था। अब उत्पत्ति एक के अनुसार या उत्पत्ति 1:2-3 के अनुसार, पाप तो किसी भी तरह का व्यवहार है जो किसी भी तरह से रुकावट लाता है या आपके जीवन में परमेश्वर की आशीष को जोखिम में रखता है। पाप वो सब कुछ है जो परमेश्वर की आशीष को आपके जीवन में रोकता है या जोखिम में डालता है। आदम के साथ क्या हुआ? उसने कौन सा पाप किया? क्या उसने हत्या की? क्या उसने व्यभिचार ऐसा कुछ किया? नहीं, ऐसा करने के लिए कोई नहीं था। क्या वो फिल्म देखने के लिए गया? नहीं। क्या सिगरेट पी या फिर शराब पी थी? नहीं। उसने कौन सा पाप किया था? देखिए, हम बड़े चित्र को कई बार नहीं देख पाते हैं। हम इन सारी छोटी बातों को देखते हैं और बड़ी बातों को छोड़ देते हैं। आदम ने कौन सा पाप किया था जिसके कारण आज हम यहां इस तरह की परिस्थिति में आ गए? आदम ने जो पाप किया था वो ये है कि उसे वाटिका दी गई थी, सारे पेड़ दिए गए थे, सारे पेड़ पौधे दिए गए थे कि वो रक्षा करे, देखभाल करे, ठीक है। उसे वहां पर काम करना था, उसे उन पर काम करना था, उसे वहां पर अपना काम करना था और परिश्रम करना था कि उसे बनाए रखे। और जब वो सब बढ़ते और फल लेकर आते और ये सब, वो अदन की वाटिका के सारे पेड़ का फल खा सकता था, लेकिन एक पेड़ का फल उसे नहीं खाना था। हेलो, एक पेड़ का फल नहीं खाना था। उस एक पेड़ का क्यों नहीं? क्या उसमें कोई जहर था? नहीं। परमेश्वर ने क्यों कहा कि इस पेड़ का फल नहीं खाना? और अगर मनुष्य उसे खाए तो क्या हुआ? देखिए, यहां पर एक मुद्दा जुड़ा था। परमेश्वर ने क्यों कहा? क्योंकि देखिए, परमेश्वर उसके जीवन में पहला स्थान चाहता था। वो परमेश्वर ने बनाई हुई सारी बातों को ले सकता था, लेकिन ये एक पेड़ इस तरह से दिखाता है कि वो परमेश्वर के अधिकार में जी रहा है, यही कि परमेश्वर उसका प्रभु है, जबकि आदम इस सारी पृथ्वी का प्रभु हो गया है। परमेश्वर उसका प्रभु था, यही विचार था। यानी जब तक कि उसने उस पेड़ से नहीं खाया, मना किए गए पेड़ से, वो दिखा रहा था परमेश्वर मेरा प्रभु है, जो कहता वही करूंगा, मैं इस पेड़ से नहीं खाऊंगा क्योंकि परमेश्वर ने मुझसे कहा है। परमेश्वर ने कहा सारे पेड़ से खा सकता हूं, लेकिन इस पेड़ से नहीं खाऊंगा, इस पेड़ का फल नहीं खाऊंगा। जिस पल उसने उसे खाया तो वो दिखा रहा था परमेश्वर मेरा प्रभु नहीं, मुझे परवाह नहीं, उसके वचन की मुझे परवाह नहीं, मैं उसका अपमान करता हूं, उसकी बात की मुझे परवाह नहीं, जो वो कहता है वो मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं, परमेश्वर मेरे जीवन में पहला नहीं है, और इसलिए इसका परिणाम तो मृत्यु में हुआ। मृत्यु का मतलब ये नहीं कि बस नीचे गिरकर मर गया, क्योंकि आदम उसके बाद में 930 साल तक जिया और हर पल उसे ऐसा लगा काश वो मर जाए, क्योंकि वो 930 साल तक जीवित रहा, लेकिन आशीष के वो साल नहीं थे।
क्योंकि उसने एक के बाद एक समस्या का सामना किया। उसे वाटिका से निकाल दिया गया था। वो सुंदर जगह फिर नहीं देख सकता था। वो उस जगह पर फिर प्रवेश नहीं कर सकता था। उसे अपना जीवन जीना था। उसे अपने ही बल और शक्ति पर आधारित रहना था कि उसके बाद उसे खुद सब कुछ करना है। उसका पूरा जीवन बदल गया और वो परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में नहीं ले सकता था, क्योंकि उसने उस एक पेड़ का फल खा लिया था जिसके लिए परमेश्वर ने कहा कि नहीं खाना। अब उस एक पेड़ में क्या खास था? ये पेड़ एक उस मुद्दे के बारे में बताता है। इसके बारे में हमने दशमांश में देखा है। अदन की वाटिका में परमेश्वर ने उससे कहा कि तू सारे पेड़ों पर काम करना, पानी देना और जो कुछ भी उसे उन दिनों में करना था। उसने उन्हें बढ़ाने के लिए सब कुछ किया। उसने सब कुछ किया और बहुत से फल भी आए। वो उस पर काम करते चला गया, लेकिन वो इस एक पेड़ का फल नहीं खा सकता था। क्यों? उसने कमाया था, उसने ये काम किया, उसने उसके लिए मेहनत भी की थी, तो खा क्यों नहीं सकता? क्योंकि परमेश्वर ने कहा, मैंने तुझे सब कुछ दिया, ये एक तेरी आज्ञाकारिता को मेरे सामने दिखाते जाए कि मैं तेरे जीवन में पहला हूं। यही मुद्दा था, और इसलिए परमेश्वर ने कहा, तुम लाओ अपनी सारी उपज का पहला फल। वो कहता है नीति वचन अध्याय 3:9-10 में, अपनी संपत्ति और अपनी भूमि की सारी पहली उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। यही मुद्दा है। प्रभु कहता है, मेरा आदर करो। प्रभु के आदर के बहुत से तरीके हैं। अपनी पहली उपज देकर प्रभु की प्रतिष्ठा करना। और आदम का पाप यही था कि वो परमेश्वर का आदर करने में चूक गया। कुछ भी जो परमेश्वर का आदर नहीं करती वो पाप हो जाती है। इसलिए आपको याद होगा यूसुफ के जीवन में आशीष ने कैसे काम किया। यूसुफ जब अपने भाइयों के साथ था तो उसके सारे भाई उससे जलन और बैर रखने लगे, नफरत और इस तरह की बातें। वो सब एक दूसरे को देखते, एक दूसरे से स्पर्धा करते, बिल्कुल चेन्नई जैसे, जानते हैं। मतलब यही उनके जीवन का सिद्धांत है। मतलब बस दूसरे आदमी को देखो, देखो कि उसके पास में क्या क्या है, उसके बारे में जलन रखो और हर तरह से उसे नाश करने की कोशिश करो और अपने जीवन में बढ़ो। इस तरह की मनोदशा, ये तो संसार की मनोदशा है। संसार का विचार कहता है कि इस तरह से जीवन में ऊपर आ सकते हैं, यानी दूसरे को नीचे गिराते जाएं, वो आगे न बढ़े, इस तरह की मनोदशा। सारे भाई आशीष को नहीं समझ पा रहे थे। वो तो अब्राहम की संतान थे, लेकिन फिर भी आशीष को नहीं समझ पा रहे थे। एक दूसरे से स्पर्धा कर रहे थे, एक दूसरे से जलन रख रहे थे, एक दूसरे से नफरत कर रहे थे। पर यूसुफ आशीष को समझ गया। वो आशीष को समझ गया, इसलिए वो सच में आशीष में प्रवेश कर रहा था, आशीष का आनंद उठा रहा था। एक दिन उसने सपना देखा और उसने जाकर अपने भाइयों को अपना सपना बताया। और सपना यही था कि ये कैसे सभी लोग उसके सामने खड़े रहेंगे और वो उसका आदर करेंगे। और उसके भाइयों को ये सपना पसंद नहीं आया। कहा कि ये बहुत ही बड़ा सपना है, हमें ये सपना पसंद नहीं है। तो एक दिन उसे आते हुए देखा, उसे मार देना चाहते थे। फिर निर्णय लिया कि मारने से कोई लाभ नहीं, इसे बेच देते हैं, जानते हैं। उन्होंने गड्ढे में फेंक दिया। फिर देखा एक कारवा आ रहा है। वहां पर कारवा क्यों आ रहा था? आशीष के कारण ही। आशीष ने उस कारवा को भेजा कि इस गड्ढे में मरने वाले इस बच्चे को बचाए और उसे किसी और जगह पहुंचाए। आशीष उसे उठाने के लिए आ रही थी। कारवा आने पर उन्होंने उसे बेच दिया और सोचा पीछा छूट गया। जाकर अपने पिताजी से कहा, वो तो मर चुका है, किसी जंगली जानवर ने उसे मार दिया और उसे कारवा में रखा गया और वो तो मिस्र में गया और वहां जाकर वो बन गया पोतीफर के घर में एक नौकर। सच में वो एक गुलाम हो गया। दाम देकर खरीदा गया और उसे काम दिया गया था। वो उस घर का मुखिया हो गया। क्यों? क्योंकि देखिए, पोतीफर ने उसने इस तरह से देखा कि वो अभी पहले से ज्यादा पैसा कमा रहा है, अभी यूसुफ के आने के बाद। हेलो, क्या आप ऐसा कोई लड़का चाहेंगे जो साथ हो? उसने कहा कि तुम आशीषित हो, परमेश्वर तुम्हारे साथ है, जानते हैं। उसने घर की सारी बातों पर उसे अधिकारी बना दिया। उसने किसी बात की चिंता नहीं की। जो भी भोजन उसके सामने रखा गया वो खाया। उससे कोई सवाल नहीं पूछा। वो उसके घर का मुखिया हो गया था। वो तो मानो जनरल मैनेजर हो गया था ऐसे बड़े अधिकारी के घर में। लेकिन उसकी पत्नी ने इस पर बुरी दृष्टि रखी, जानते हैं। और फिर एक दिन उसने उसे पकड़ लिया और यूसुफ भागने लगा। वो जानता था वहां नहीं रह सकता है, जानते हैं। वो भागने लगा। कई बार आपको भी भागना है, भाग जाना अच्छा है। वो भागने लगा और उसने अपना अंगरखा छोड़ दिया। तो उसकी पत्नी ने पति से कहा कि देखो, ये मेरा बलात्कार करने आया, देखो कैसा हिब्रू लड़का तुम यहां पर लाए हो। उस पर दोष लगाया और जेल में डाल दिया। और जेल में भी आशीष उसके पीछे आने लगी।
देखिए, आशीष को कहीं जाने से रोक नहीं सकते हैं। जेल में भी आशीष आई, जेल में भी उसने आशीष पाई। वो एक कैदी था, उसके बाद में असिस्टेंट वार्डन हो गया बहुत ही जल्दी आशीष के कारण। और राजा ने बुरा सपना देखा, वो सो नहीं पा रहा था, उसका अर्थ वो जानना चाहता था। लेकिन राजा जो नहीं समझ पाया, उसके अर्थ को यूसुफ समझ पाया, यानी ये भी तो आशीष से ही है। तो उसने जाकर राजा को अर्थ बताया और रातों रात उसे जेल में से बाहर निकाला गया और उसे प्रधानमंत्री बना दिया गया, रथ में रखा गया। सब उसके लिए चिल्लाने लगे और उसके सामने दंडवत करने लगे। नगर में इतना सम्मान हुआ, वो बड़ा व्यक्ति हो गया बस ऐसे ही। देखिए आशीष कैसे काम करती है। जब वो स्त्री से दूर भागा तो उसने यही कहा, मैं इतनी बड़ी बुराई करके अपने परमेश्वर के विरुद्ध पाप नहीं कर सकता। यानी यूसुफ ने यह जान लिया कि अगर आशीष का जीवन जीना है और प्रभु की आशीष का आनंद उठाना है तो मैं इसमें नहीं जा सकता हूं, क्योंकि ये तो आशीष को रोकने वाला होगा। ये मेरी आशीष के लिए रुकावट हो सकती है, ये मेरी आशीष के लिए समस्या हो सकती है, मैं इसे नहीं कर सकता हूं। जानते हैं, जब आदम ने पाप किया, इस तरह का पाप, यानी परमेश्वर का आदर उसने नहीं किया, तो परमेश्वर ने अब्राहम को उठाया। और देखिए अब्राहम, जैसे कि मैंने पिछले हफ्ते आपके सामने अध्याय 14 से पढ़ा था, वो जाकर उन चार राजाओं से युद्ध करता है जिसके बारे में बताया था। 318 दासों के साथ, किसने इन 318 दासों को ट्रेन किया था? आशीष ने ट्रेन किया। किसने उन्हें जिताया? आशीष ने जिताया। 318 दासों के साथ चार राजाओं से कैसे जीत सकते हैं जो घर के दास थे? आशीष, केवल यही विवरण है। आशीष ने उन्हें लड़ना सिखाया, आशीष ने उन्हें कार्यनीति सिखाई, आशीष ने सिखाया कैसे जीते, और वो जयवंत हो गए और सोना और चांदी लूट कर लेकर आए। और बाइबल कहती कि उसने इन सारी चीजों का दशमांश मल्कीसदेक को दिया जब मल्कीसदेक उससे वहां पर मिलने के लिए आया था। अब ये मेरे लिए अद्भुत बात है, क्योंकि अब्राहम कौन से चर्च में जाता था? उसने दशमांश के बारे में कहां सीखा? किसने सिखाया? मैं सोचता हूं, यानी पूरे अधन की वाटिका के समय से, जहां पर एक पेड़ का फल मनुष्य को नहीं खाना था, परमेश्वर दशमांश के विचार को मनुष्य को किसी न किसी तरीके से बता रहा था। और केवल वही तरीका था जिससे अब्राहम ने यह जाना होगा। वह ऐसे चर्च में नहीं आया, किसी ने उसे प्रचार नहीं किया। उसने जो कुछ भी उसके पास था उसका दसवां भाग लेकर उसने मल्कीसदेक को ऐसे ही क्यों दे दिया? जब उसने मल्कीसदेक को दशमांश दिया तो उसने कहा, दूसरे राजा से कहा, मुझे तेरा सोना चांदी नहीं चाहिए, कहीं तू न कहे कि तूने मुझे धनी बनाया। मैं तुझसे जूती का बांध भी नहीं लूंगा, क्योंकि मैंने अपने हाथ उस परमेश्वर के सामने उठाए हैं जो कि आकाश और पृथ्वी का मालिक है। परमेश्वर के सामने मैंने अपने हाथ उठाए, इसलिए मैं अपने हाथों को कभी किसी मनुष्य के सामने नहीं फैलाऊंगा। हाँ, वो बड़ा पाठ सीख गया था। आदम जिसे नहीं कर पाया, इसने उसे कर दिखाया। इसी के कारण तो आदम वहां पर अदन की वाटिका से बाहर आया। उसने वो खाया जिसे उसे नहीं खाना चाहिए था। लेकिन अब्राहम इस बात को समझता है, कहता है कि मैं इसे दूंगा, मैं अपनी चीजें परमेश्वर को दूंगा, परमेश्वर को आदर दूंगा। और वो अपना दशमांश लेकर आता है और देता है। मल्कीसदेक को देकर कहता है कि मैं परमेश्वर के सामने हाथ उठाता हूं, और जब हाथ उठाते हैं तो निश्चय हाथ फैलाने की जरूरत नहीं, आपको हाथ फैलाने नहीं पड़ेंगे। यहां पर अब सभी को यहां पर निर्णय लेना है, क्या आप ऐसे जीना चाहते हैं कि उसके सामने हाथ उठाएं, या फिर ऐसे लोगों के सामने हाथ फैलाना चाहते हैं। जानते हैं, हाथ उठाना अच्छा है मेरे अनुभव के अनुसार जानते हैं, जब मैं छोटा था, मेरे पिताजी प्रचारक थे, और जब मैंने शुरू किया तो मुझे लगा मेरे पिताजी मेरी मदद करेंगे, कोई चिंता नहीं, पिताजी के पास चले जाऊंगा, वो मदद करेंगे, जब तक पिताजी है तब तक मैं कर दिखाऊंगा, ऐसे सोचा। जानते हैं, फिर एक ऐसा समय आया जब मैं पिताजी से दूर चला गया, मैं दूसरी जगह चला गया, मेरे पिता से दूर था, मेरी जरूरत थी, मुझे परमेश्वर पर आधारित रहना सीखना पड़ा, मेरी सारी बातों के लिए प्रभु पर आधारित रहना सीखा। तो प्रभु पर आधारित रहने का निर्णय लिया। आज जब मैं पीछे मुड़कर सारी बातों को देखता हूं, मुझे इसका खेद नहीं होता है, लेकिन मैं तो खुश हो जाता हूं कि मैंने प्रभु पर आधारित रहना सीखा। मेरे पिताजी निश्चय मेरी मदद करते। जानते हैं, मैंने कहा टेलीविजन प्रोग्राम में हमने 1000 से ज्यादा प्रोग्राम दिखाए, अगर पिताजी के पास चले जाता तो निश्चय ही 100 प्रोग्राम के लिए वो पैसे दे देते थे। और उसके बाद वो कहते, सुनो, पैसे के लिए मेरे पास बार 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 नहीं आना। हर पिता बिल्कुल ऐसे ही कहते, ठीक है, यानी
मैं तुम्हें हमेशा पैसे नहीं दे सकता हूं। वो बिल्कुल इसी तरह से कहते और इसलिए मैंने एक प्रोग्राम के लिए भी उनसे पैसे नहीं मांगे। एक प्रोग्राम के लिए भी मांगे बिना मैंने सब कुछ शुरू कर दिया। और वो जानते हैं कि हमने अब तक कितने प्रोग्राम दिखाए हैं। वो अभी स्वर्ग में हैं, शायद वो मेरी बात अभी सुन रहे हैं। वो जानते हैं 1000 से भी ज़्यादा प्रोग्राम दिखाएं। वो तो मुझे और मदद करना पसंद करते, क्योंकि वो पिता है, वो मेरी बहुत सी मदद करना चाहते थे। लेकिन मैंने ये पाया कि ऊपर में हमारा एक स्वर्गीय पिता है जो आकाश और पृथ्वी का मालिक है। उसके सामने मैंने अपने हाथ उठाए हैं, मैंने अपने हाथ ऊपर रखे हैं और वो तो मेरे पिताजी से भी बहुत बढ़कर करने के योग्य है। पृथ्वी के पिता से बढ़कर वो इस योग्य है कि जो कुछ भी मेरे पिता कर सकते थे उससे भी बढ़कर वो करते जाएं। हेलो, इसलिए हमें अपने बच्चों को सिखाना है कि हम पर नहीं लेकिन परमेश्वर पर आधारित रहे, क्योंकि परमेश्वर उनके लिए बहुत बढ़कर कर सकता है जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। यानी अब्राहम इस सिद्धांत को समझ गया था, मैं अपने हाथों को परमेश्वर की ओर उठाऊंगा, और उसने अपने बच्चों को सिखाया होगा, मतलब इसहाक और याकूब को उसने सिखाया होगा। यहां पर देखिए उत्पत्ति अध्याय 28 से वचन 20 देखते हैं। और याकूब ने मन्नत मांगी, ये तब हुआ जब याकूब अपने घर से भाग रहा था। उसने अपने बड़े भाई की आशीष को चुरा लिया था। उसने धूर्तता के साथ में, चालाकी के साथ झूठ बोलकर उसने अपने बड़े भाई की आशीष चुराई। उसका भाई उसे मारना चाहता था, वो जान बचाकर भाग रहा था। उसे पता नहीं था भविष्य में क्या होगा, क्या उसे नौकरी मिलेगी, कुछ पैसा होगा, क्या वो जीवित रहेगा, पता नहीं था कि क्या करेगा। वो समझ नहीं पाया कि जीवन में आगे क्या होगा। वो भाग रहा था और मार्ग में प्रभु से मुलाकात होती है। और यहां पर ये कहता है कि याकूब ने एक मन्नत मानी, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़े दे और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट आऊं, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा। हां, और ये पत्थर जिसका मैंने खंभा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा, और जो कुछ तू मुझे दे उसका दशवांश मैं अवश्य ही तुझे दिया करूंगा। अब वो कौन से चर्च में गया था? क्या वो AFT में गया था या ऐसे किसी चर्च में गया? मुझे नहीं लगता किसी चर्च में गया। तो ये सिद्धांत उसने कैसे सीखा? मैं आपसे कहूं, ये सब कुछ अदन की वाटिका में शुरू हुआ। परमेश्वर का आदर करने की ये जो बात है, अब्राहम ने अपने बच्चों को सिखाया, क्योंकि बाइबल कहती है 18 अध्याय में कि परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दी क्योंकि उसने परमेश्वर के सिद्धांतों को अपने बच्चों को सिखाया और अपने घराने को भी। ये कहता है यानी अब्राहम ने उसके पास रहने वाले सभी को ये सिखाया था, उसके बच्चे और सभी दास जो उसके साथ में रहा करते थे। और मैं कल्पना कर सकता हूं ऐसे हजारों लोग होंगे जो उसके लिए काम करते थे। उसने सभी को चर्च के जैसे ये सिखाया था। उन्हें सिखाया गया कि वो अपना दशवांश प्रभु को दे। और फिर अब्राहम ने सिखाया इसहाक को और फिर याकूब को, सारी पीढ़ी को। वो जानते थे, किसी तरह से जानते थे, वो जानते थे ये तो आशीष के लिए मानो एक बड़ा फाटक है। और केवल इसीलिए अपने जीवन के अनिश्चित समय में वहां पर वो इस बात को नहीं समझ रहा था कि वो कैसे जीवित रहेगा। उसका भविष्य अनिश्चित था, उसे पता नहीं था कि वो क्या करने वाला है, और सब कुछ बिल्कुल टूट कर बिखर चुका था और उसे अपना जीवन फिर से शुरू करना था। और यहां पर यूसुफ इस तरह से मन्नत मांगता है और कहता है कि परमेश्वर जो कुछ भी मुझे देगा मैं उसका दसवां भाग उसे दूंगा। और मैं आपसे कहूं, वो तो बस केवल इतना ही चाहता था कि मैं चाहता हूं कि परमेश्वर खाने के लिए भोजन दे और पहनने के लिए कपड़े दे और सुरक्षित मुझे मेरे पिता के घर में वापस लाए। मैं आशीष पाना चाहता हूं। और मैं आपसे कहूं कि उसकी हर एक बिनती पूरी हो गई। जब वो अपने घर से भागा था तो वो अकेला गया था, उसके पास कुछ नहीं था। और जब वो वापस आया तो वो 2 बटालियन में बटकर वापस आया, क्योंकि उसके पास इतना धन था, इतनी सारी भेड़ें, इतना सारा धन और सब कुछ भरपूर था। उसने उसे 2 भागों में बांट दिया, क्योंकि अगर कोई भी उसे देखता तो उससे युद्ध करके सब कुछ छीन लेता, इतना ज्यादा उसके पास था। वो वापस आया और उसके शत्रु भी उसके मित्र हो गए, और जिस देश में वो पला बढ़ा उस देश में वापस आया। और परमेश्वर ने उसे आशीष दी क्योंकि उसने परमेश्वर से ये मन्नत मांगी थी और कहा कि मैं ये करूंगा। आदम की समस्या इतनी थी कि बस वो तो इतनी आशीष से भरा था, इसलिए आशीष के बारे में कहता हूं। वो इतना आशीषित था कि पूरी दुनिया बदल सकता था, लेकिन प्रभु के सिद्धांत का पालन नहीं किया। प्रभु ने जो कहा था इसे नहीं खाना, उसे ही उसने खाया। और देखिए यहां पर अब्राहम को, उसे परमेश्वर के सिद्धांत सिखाए गए, उसने आदम के बिल्कुल उल्टा ही किया।
वो परमेश्वर को देता है, परमेश्वर का आदर करता है, अपने दशमांश के द्वारा अपने बच्चों को भी सिखाता है और इसलिए वो पीढ़ी दर पीढ़ी इस तरह से संपन्न होते जाता है। प्रभु ने आशीष दी, वो बहुत से लोगों के लिए आशीष हो गया। By the grace of God, we will carry on. Everybody. Love.